जुड़े हुए जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है। आज की आवश्यकता है तकनीक का बेहतर उपयोग क्या हो सकता है ये जानने के लिए हमारे पास वैश्विक महामारी कोरोना संकट के दौरान हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में उसका बेहतर उपयोग किया है और पिछले 3 महीनों के दौरान अधिकतर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है और इसके लिए आवश्यक है कि कुछ सावधानी जैसे 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, यानी अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। दूसरा प्रयास होना चाहिए कि जब कहीं पे 2 लोग मिल रहे हैं या कोई मास गैदरिंग पहले तो ना हो, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से हो भी गया तो उन सब में कम से कम 2 गज की दूरी जरूरी और ये हम लोगों को कोरोना पर विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद करेगी। और इसीलिए लगभग 15 मार्च से हमारे सभी प्रदेश की भी और देश की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं अभी भी बंद चल रही हैं। 4 चरणों के लॉकडाउन के कार्यक्रम के बाद 1 जून से अनलॉक की कार्रवाई प्रारंभ हुई है, लेकिन अभी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने और वहां पर सामान्य पाठ्यक्रम फिजिकली शिक्षक और छात्र स्कूल में क्लासरूम में एकत्र होकर के इसे प्रारंभ कर सके अभी शासन ने इसके बारे में बहुत कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने। पाठ्यक्रम तैयार करके बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि जुलाई में उपयुक्त तिथि तय करते हुए हमारा एक प्रयास है कि इस दौरान विद्यालयों को हम खोलेंगे लेकिन शिक्षक और कर्मचारी ही विद्यालय में आएंगे। अभी छात्र छात्राओं के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया है, उपयुक्त भी नहीं होगा जब तक कोरोना संक्रमण पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता है।